नमस्कार। हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है एक कैरियर की स्प्लिट ऐसी है डेड टर्न की। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यह है, जैसे इसको ऑन करते हैं अपन, तो ऑन करते ही दोस्तों इसमें सिक्स यानी कि E6 नाम से एरर आ रहा है। जैसे अपन इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के कुछ देर बाद में इसमें E6 का एरर आ जाता है। तो दोस्तों E6 का एरो जो है वो अधिकतर जो है वो आता है जो अपनी इंडोर जो फैन मोटर है उसके कारण आता है। या तो वो मोटर जल गई है, या मोटर आपकी ख़राब हो गई है, या इसका जो सेंसर है वो ख़राब हो गया है, उसके कारण इसमें अधिकतर ये E6 का एरो आता है। अभी देखते हैं इसमें थोड़ी देर बाद में E6 का एरो आ जाता है। ये E6 का एरो आ चुका है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। और ये जो मोटर है, ये भी जो इंडोर यूनिट मोटर है, ये भी धीरे धीरे घूम रही है, जबकि इसकी स्पीड भी डाउन हो चुकी है बिल्कुल। तो दोस्तों E6 एरर जो है ये अधिकतर इस इंडोर मोटर के कारण आता है। या तो आपके ध्यान रखना, या तो आपके जो सेंसर के वायर हैं वो कटे हुए मिलेंगे, या मोटर के वायर कटे हुए मिलेंगे, या आपका कैपेसिटर वीक है उस टाइम पे भी दोस्तों, जो आपके मोटर का जो ये कैपेसिटर है ये वीक है, ये 1.5 माइक्रोफेड का होता है। अगर ये भी वीक है तो इसको आप चेंज कर दें, इसके कारण भी ये फॉल्ट आ सकता है E6 का। या अब ये इस मोटर को अपन चेंज करके देखते हैं, उसके बाद में ये एरर नहीं आना चाहिए। ये मेरे पास दूसरी मोटर अवेलेबल है, ये मैं दूसरी मोटर लगा रहा हूँ। ये मैंने दूसरी मोटर लगा दी है। ये मैंने दूसरी मोटर लगा दी है, फिर से ऑन करके देखते हैं। ये ऑन कर दिया अपन ने, ये थोड़ी देर बाद में इसमें कमांड जाएगी और ये मोटर ऑन हो चुकी है। और अपना यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है किसी भी प्रकार का, मोटर जो है अपनी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम कर रही है। आउटपुट वोल्टेज भी अपन चेक कर लेते हैं। ये आउटपुट वोल्टेज भी 248 वोल्टेज आ चुके हैं। तो दोस्तों यदि आपके भी पास E6 नाम से एरर आए तो आप इस मोटर को आप चेक करें अच्छी तरह से, आप सेंसर के वायर चेक करें और जो मोटर के जो 3 वायर जो होते हैं उनको आप अच्छी तरह से चेक करें, कोई भी वायर बीच में से कटा फटा हो तो उसको ठीक कर दें। और उसके बाद में आप कैपेसिटर चेक कर लें, कैपेसिटर खराब हो तो उसको चेंज कर दें, आपका E6 का एरर दोस्तों हट जाएगा। और नहीं हटे तो दोस्तों आप इस मोटर को चेंज कर दें, फिर हट जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।